बताओ गोवा वालों, कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है, बताइए जरा जोर से बोलिए, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले धारा 370 को लटका रहे थे 70 साल से। पहले कांग्रेस के जमाने में आए दिन पाकिस्तान से घुसे हुए आतंकवादी हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे। मोदी जी के जमाने में भी कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर। तो अभी अभी राहुल बाबा ने अपनी एक यात्रा समाप्त की है, मालूम है ना, पूरे भारत में यात्रा में निकले थे और पूरे भारत की यात्रा कर सारे कांग्रेसी बड़े खुश दिखाई दे। यात्रा समाप्त कर राहुल बाबा वहां गए, जोर शोर से प्रचार करा और तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। देश भर के अंदर एक संदेश भेजा है कि देश पर शासन करने का अधिकार उसी को है जो देश को सुरक्षा दे पाए। कांग्रेस भी विकास कर सकती है, मगर वो विकास करते हैं परिवारवाद, वो विकास करते हैं वंशवाद का, वो बढ़ाते हैं जातिवाद को, वो बढ़ाते हैं भ्रष्टाचार को, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, अभी अभी राहुल बाबा ने अपनी एक यात्रा समाप्त की है, मालूम है ना, पूरे भारत में यात्रा में निकले थे और पूरे भारत की यात्रा कर सारे कांग्रेसी बड़े खुश दिखाई दे पड़ते कि राहुल जी ने यात्रा कर दी। अब उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव आए। ये नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, क्योंकि वहां पर कई राज्यों में माइनॉरिटी की बहुलता है, क्रिश्चियन भाइयों की बहुलता है। कांग्रेस ऐसा मानती थी कि नॉर्थ ईस्ट हमारा गढ़ है, गत चुनाव में हमने हराया तो कांग्रेस के नेता सारे कहने लगे, उस वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष था, ये तो फ्लूक है, एक बार अचंभे में जीत गए हो। ये यात्रा समाप्त कर राहुल बाबा वहां गए, जोर शोर से प्रचार करा और तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पूरे देश भर के अंदर एक संदेश भेजा है कि देश पर शासन करने का अधिकार उसी को है जो देश को सुरक्षा दे पाएगा, देश को शांति दे पाएगा, देश को विकास दे पाएगा और देश को जो समृद्ध बना पाएगा वो ही इस देश पर शासन कर सकता है। पर गोवा, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, ये छोटे छोटे राज्यों में जब हम जीते तो खड़गे जी का एक रिएक्शन था, ये तो बहुत छोटे छोटे राज्य है। अरे खड़गे साहब, छोटे राज्य है मगर भारत का महत्वपूर्ण अंग है, आप मत भूलिएगा, छोटे राज्यों का अपमान मत करिए। आज यहाँ से खड़गे जी को कहना चाहता हूँ, राहुल बाबा सुन लो, कर्नाटक में भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। केवल भारतीय कांग्रेस भी विकास कर सकती है, मगर वो विकास करते हैं परिवारवाद का, वो विकास करते हैं वंशवाद का, वो बढ़ाते हैं जातिवाद को, वो बढ़ाते हैं भ्रष्टाचार को, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इस देश में विकास की राजनीति कर सकती है, मोदी जी ही कर सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के 10 ही साल में 11वें नंबर पर से देश का अर्थतंत्र ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर पर मोदी जी ने पहुंचाया है। मित्रों, 5वें नंबर पर पहुंचा है। मित्रों, चुनाव के परिणाम आने के बाद
सीएए कानून का हमने वादा किया था, मोदी जी ने सीएए कानून समाप्त कर दिया, बनाकर लेकर आए। राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना शुरू हो गया है, कई सारी वंदे भारत ट्रेन चलाई, 22 एम्स बनाए, 23 आईआईटी बनाए, 20 आईआईएम बनाए, कई हवाई अड्डे बनाए। जल जीवन मिशन के तहत 6 करोड़ गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया, पीएम आवास के तहत करोड़ों घर दिए, और भ्रष्टाचार मुक्त शासन अगर किसी ने लंबे समय के बाद दिया तो हमारे मोदी जी ने दिया। मुझे बताओ गोवा वालों, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है, बताइए जरा, जोर से बोलिए, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले धारा 370 को लटका रहे थे 70 साल से, आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम। पहले कांग्रेस के जमाने में आए दिन पाकिस्तान से घुसे हुए आतंकवादी हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे और उसको कोई जवाब नहीं देता, का काम नरेंद्र मोदी।